हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नीटिंग चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं इस तरह की आपको कैप बना करके दिखाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से जो है ये डिज़ाइन इसमें डला है। सिर्फ 8 फंदे ही हमने हर बार बुनने हैं, 8 फंदों से हमारा डिज़ाइन जो है ये वाला कंप्लीट होगा। बहुत ही डिफरेंट तरीके से जो है ये कैप बनी है। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है इसको, यहाँ से 8 फंदे लिए हैं। कैसे बनाया है स्टेप बाय स्टेप इसको बनाना आपको बताऊंगी। लेकिन ये जो कैप है मैंने थोड़ी बड़ी बनाई है, तो इसमें जो है आपको छोटी कैप बना करके दिखाऊंगी। ये 3 प्लाई की वूल के साथ बनाई है, तो इसलिए जो है ये इस तरह से बनी है, थोड़ी खुली खुली सी बनी है। तो इस तरह से ये बड़ी कैप बनाई है मैंने, आप देख सकती हैं, बड़ा बच्चा इसे आराम से पहन सकता है। इसकी भी आपको लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने बड़ी कैप बनानी है तो आपको जो है यहाँ से ये जो हमने पीसेस बनाए हैं, ये डिज़ाइन बनाए हैं, यहाँ से आपको ज़्यादा बनाने होंगे अगर बड़ी बनानी है। अगर छोटी बनानी है तो आपको थोड़े बनाने होंगे, कम बनाने होंगे। और यहाँ पर ये जो लाइनें बनाई हैं हमने, ये वाले डिज़ाइन 1, 2, 3, 4, 5वें डिज़ाइन में मैंने ख़त्म किया है इसको। तो आपको 6 डिज़ाइन, 7 डिज़ाइन, जितनी भी आपको लंबाई चाहिए होगी उतनी आपने बनानी है। देखिए, ये मैंने इतना बनाया है इसको, इस तरह से अगर आप नापेंगे तो 7.5 इंच के करीब, 7.5 इंच के करीब इसकी लंबाई बनी है विद बॉर्डर। अगर बॉर्डर के ऊपर इसको देखेंगे तो 6 से 6.25 इंच तक जो है इसको इस तरह से बनाया है मैंने। तो आपने यहाँ से लंबाई भी अपने हिसाब से रखनी है, और यहाँ से ये जो डिज़ाइन हमने बनाए हैं, जैसे मैंने 5वें डिज़ाइन में ख़त्म किया है इसको आकर के, तो इसको आपने जो है इसमें ज़्यादा डिज़ाइन बनाएंगे तो बड़ी कैप बन जाएगी, कम डिज़ाइन बनाएंगे तो कम बड़े छोटी कैप बन जाएगी, इस तरह से। और इसकी आप चौड़ाई देख सकती हैं, 9.25 इंच के करीब इसकी चौड़ाई है, डबल करके। इस तरह से आप अपनी कैप को बना के रेडी कर सकती हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमने फंदे डालने हैं। देखिए, ये वाले बूल के साथ मैं इस कैप को बना करके आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले हमने फंदे डालने हैं स्ट्रेट नीडल पे, जो 2 नीडल हमारी जो है नॉर्मली बुनने वाली होती हैं उनमें हमने फंदे डालने हैं। बाद में हमें चाहिए होगी ये वायर वाली नीडल। देखिए, ये स्टील वाली नीडल है, आप कोई भी नीडल ले सकते हैं इसमें, कोई भी। इस तरह से ये वाली नीडल भी ले सकते हैं, ये वाली ले सकते हैं। अगर आपके पास ये वायर वाली नीडल नहीं है तो आप जो है इसमें जो गले बुनने वाली सिलाइयाँ होती हैं वो भी उन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं, गले बुनने की सिलाइयों को। तो कोई भी आप जो है सिलाई ले सकते हैं। सबसे पहले हमने फंदे डालने हैं। फंदे जो हैं हम इस तरीके से डालेंगे, इस तरह से 8 फंदे डालने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 फंदे डालने के बाद हमने थोड़ा कम धागा रखते हैं, इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 8 फंदे हमारे आसानी से बन जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8, 8 फंदे हो गए। अब इनको हमने उल्टा और सीधा बुनना है, 16 सिलाइयाँ बुननी है हमने इसको। इस तरह से फर्स्ट रो जो है थोड़ी ढीली बुनेंगे, ताकि हमारे जो जब हम फंदे बंद करेंगे तो यहाँ से हमने उठाने हैं फंदे, फिर मैं आपको बाद में बताऊँगी इसको कैसे बुनना है। देखिए, फर्स्ट रो जो है इस तरह से कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो इस तरह से बनाएंगे, सीधी तरफ से सीधी। अब इस तरह से हमने एक पट्टी बनानी है 16 सिलाइयों की, ऐसे देखिए,
फिर सीधी तरफ से सीधी। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो हैं यहाँ पे हमने ये एक लंबी पट्टी बनाई है 16 सिलाइयों की। अब हमने इसमें से फंदे उठाने हैं। देखिए कैसे उठाएंगे, ये वाली जो साइड है सीधी साइड ये है, उल्टी साइड ये है, यहाँ से हम फंदे उठाने स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला फंदा ये वाली चेन जो दिख रही है यहाँ से उठाएंगे, एक इस तरह से, और दो, फिर तीन, चार, पांच, छः, सात, और लास्ट वाला यहाँ से उठाएंगे आठ। तो आठ फंदे हमने उठा लिए, अब इस तरह से हो गया ये। अब इन आठ फंदों को हम फिर उल्टा और सीधा बुनेंगे 16 सिलाइयाँ। तो इस तरीके से आपने जो है इसे बुनते हुए जाना है। एक फंदा उतारा, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, आठ फंदे बुन लिए। इन आठ फंदों को ऐसे ही रहने देंगे। फिर एक उतारा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, फिर एक उतारा, फिर सात फंदे बुनेंगे। तो इस तरह से हमने इसे भी 16 सिलाइयों में बुन लेना है। इन आठ फंदों को भी हमने 16 सिलाइयों में बुन लेना है। 16 सिलाइयां इसकी भी हम बना लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, दूसरा डिजाइन हमारा इस तरह से बन के कंप्लीट हो गया। ये आठ फंदे इस तरफ छोड़ दिए, ये आठ फंदों की हमने लंबी जो है 16 सिलाइयों की पट्टी बना ली। अब यहाँ से फिर से हमने यहाँ पे फंदे उठाने हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला फंदा हम यहाँ से उठाएंगे, देखिए इस तरह से, एक ऐसे, इस तरह से एक। अब हमने यहाँ पे सर्कुलर नीडल अपनी लगानी है, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, और यहाँ पे देखिए ये लास्ट वाला जो है ये यहाँ से हम उठाएंगे आठ। फिर इन आठ फंदों को हम बुनेंगे इस तरह से, एक उतारा, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। अब इन फंदों को भी हम अपनी दूसरी नीडल पे ले लेते हैं इस तरह से। थोड़ी सी इसमें जो है बुनने में आसानी रहती है, क्योंकि ये फंदे जो है इस साइड में चले जाएंगे तार के ऊपर। जब ज़्यादा फंदे हो जाएंगे तो तार के ऊपर चले जाएंगे, फिर हमें बुनने में आसानी रहेगी। अब देखिए, अब इसको फिर से हमने चार और चार आठ, ये एक फंदा ऐसे, आठ फंदे बुन लिए। फिर हम फर्स्ट वाला फंदा उतारेंगे सीधी साइड से, इसको इस तरह से सारे फंदों को बुन देंगे। तो फिर हमने 16 सिलाइयों की पट्टी बनानी है ये भी, और ये हमारे आठ इस तरफ छूट जाएंगे। फिर हमने 16 सिलाइयां इन आठ फंदों की बनानी है, देखिए इस तरह से, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। फिर यहाँ से वापस जाएंगे, ये देखिए ये भी आठ फंदे हैं और ये भी हमारे आठ फंदे हैं। फिर यहाँ पे इस तरह से इन आठ फंदों को सीधा और उल्टा बुनते हुए जाएंगे, 16 सिलाइयाँ इसमें भी बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने तीसरा डिज़ाइन भी कंप्लीट कर लिया है। फिर से हमने यहाँ से फंदे उठाने हैं। आपने यही बात ध्यान रखनी है, ये देखिए, वन, टू और थ्री,
थर्ड डिजाइन हमने बना के कंप्लीट किया है। अब फोर्थ डिजाइन में यहां से फंदे उठाएंगे। आपने इसी तरीके से जो है जितने आपने डिजाइन बनाने हैं उतने आपने जो है बना लेने हैं आठ आठ फंदों को लेकर के। तो आपकी टोपी की चौड़ाई जो है कुछ इस तरीके से बनेगी। अगर आप कम डिजाइन बना रहे हैं तो टोपी की चौड़ाई जो है ऊपर से कम बनेगी, मतलब कि छोटी कैप बना रहे हैं तो कम डिजाइन बनाइए, अगर बड़ी कैप बना रहे हैं तो इस तरह से जैसे मैंने बनाए हैं इस तरह से। अगर आप यहाँ से देखेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ डिज़ाइन मैंने बना के कंप्लीट किए हैं, लेकिन इसमें जो है मैं सात डिज़ाइन बनाऊंगी। तो तीन डिज़ाइन मेरे बन चुके हैं। यहाँ से हर एक पट्टी की सीधी साइड से हमने फंदे उठाने हैं। पट्टी की सीधी साइड से फंदे उठाने के बाद हमने 16 सिलाइयों में जो पट्टी बना लेनी है, फिर जब 16 सिलाइयाँ हो जाएंगी फिर से यहाँ से फंदे उठा ले हैं। तो यहाँ पे मैं सात डिज़ाइन बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ये मेरे सात डिज़ाइन बन गए हैं। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात। अब आठवां डिज़ाइन और बनेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ से बाइंड ऑफ करना है इन फंदों के साथ। तो यहाँ से हम जैसे हम फंदे उठाते आए हैं वैसे ही उठाने हैं। देखिए यहाँ से आप चेन गिन लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और यहाँ से हम पहला फंदा उठाएंगे। जैसे हम उठाते आए हैं पीछे से वैसे ही हमने ये आठ फंदे उठाने हैं, तीन चार पाँच छः सात और लास्ट वाला यहां से आठ। देखिए आठ फंदे उठा लिए। अब एक सिलाई हम ऐसे ही इसमें बना लेते हैं पहले, तो आठ फंदे हम इस तरह से हम बुन लेंगे, चार पाँच छ सात आठ, आठ फंदे बुन लिए, चार और चार आठ इस तरफ। अब देखिए आगे हम कैसे बनाएंगे। एक फंदा उतारा, दो तीन चार पाँच छ सात। अब ये वाला फंदा और यहाँ से देखिए ये वाला फंदा हम लेंगे, ये जो आपको यहाँ पे आठ फंदे हमने डाले थे पहले वाले, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, यहाँ से हम जो है ये वाला फंदा लेंगे इस तरीके से। इस फंदे को लेकर के दोनों को हम इकट्ठा बुनेंगे, दो का एक मतलब कि हमने यहाँ पे करना है। देखिए यहाँ से लास्ट वाला फंदा, यहाँ से एक उठाया दो का एक किया, तो हमारे पास आठ फंदे ही बचेंगे। तो यहाँ पे हमने आठ फंदों को बंद करना है, मतलब कि इसको आपस में जोड़ देना है। देखिए फिर हम आठ फंदे बुनेंगे उल्टी साइड से, चार तीन सात एक आठ, फिर यहाँ से वापस जाएंगे। तो टोटल मिला के हमारे पास यहाँ पे आठ डिज़ाइन बन जाएंगे देखिए, और लास्ट वाले फंदे को बिना बुने लेंगे। अब यहाँ से ये वाला फंदा उठाएंगे, दो का एक कर देंगे हम इस तरह से। इस तरह क्या होगा, हमारा यहाँ पे जुड़ता हुआ जाएगा, तो आठ कलियाँ हमारी बन के रेडी हो जाएंगी। अगर आपने सात बनानी है तो छह बना के सातवीं ये वाली बन जाएगी। ये ऐसे हो गया। फिर हम यहाँ से वापस जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, और ये वाला फंदा इसको साथ में लेके हम ऐसे दो का एक करेंगे इस तरीके से, दो का एक कर दिया। फिर यहाँ से वापस उल्टी साइड से पूरे जो है आठ फंदे हम उल्टे ही बुनेंगे इस तरह से।
फिर आठ फंदों को सात फंदे बुनेंगे, दो तीन चार पाँच छ सात। अब देखिए जो फर्स्ट वाला हमारा जो है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से फिर से एक फंदा यहाँ से उठाएंगे और दो का एक, फिर यहाँ से वापस जाएंगे, उल्टी साइड से पूरी रो उल्टी बनाएंगे, मतलब कि आठ फंदों को उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। फिर सात फंदे बुनेंगे, आठवीं को दूसरे के साथ मिला के दो का एक कर देंगे। तो इस तरह से पूरा हमने जो है इसको जोड़ लेना है। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे एक फंदा है और यहाँ से एक फंदा लेंगे, दो का एक करेंगे, इस तरह से दो का एक कर दिया। अब ये जो बचे हैं एक दो तीन फंदे मैं पूरे कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ आगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है इस तरह से हमारा जो है ये बन के कम्प्लीट हो गया। अब आप देख सकते हैं कि हमारे डिजाइन जो है कुछ इस तरीके से बने हैं। देखिए यहाँ से अगर आप स्टार्ट, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, यहाँ पे आके बंद कर दिया, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ डिजाइन हमारे बन चुके हैं। यहाँ पे हम जो है एक मार्क कर लेते हैं ताकि हमें यहाँ से पता रहे कि हमने यहाँ पे जो है ये पहली जो है ये बनाया था। अब यहाँ पे हम जो है कैसे बनाएंगे इसको, पहले हम सीधी साइड से फंदे उठाते हुए गए या सीधी साइड से फंदे उठाते हुए गए, तो इस तरह से हमारा चक्कर जो है इस तरह से राउंड राउंड हमारा इस तरह से घूमा, यहाँ पे आके हमने इसको बंद कर दिया। अब हम कैसे बनाएंगे इसको आगे देखिए। अब इसको जो है ये वाली साइड, ये वाली उल्टी साइड जो आएगी वहां से हम जो है फंदे उठाते हुए जाएंगे, तो सेकंड राउंड हमारा यहां से बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहां से हम फंदा उठाएंगे, एक एक इस तरह से, दो, तो आठ फंदे हम यहां तक जो है उठा लेंगे। हर एक चेन में से एक फंदा उठा के कंप्लीट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आठ फंदे हमने यहां से उठा लिए। अब इनको फिर से उसी तरीके से बुनेंगे, सीधा और उल्टा, सोलह सिलाइयां हम फिर से बुनेंगे। देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, चार और चार आठ। अब यहाँ से फिर वापस जाएंगे और इन्हीं फंदों को फिर से हम बुनेंगे। अब आपने एक साइड से पहले जो हमने स्टार्ट किया था तब हम सीधी साइड से फंदे उठा रहे थे, अब यहाँ पे उल्टी साइड से हर एक डिजाइन में हमने यहाँ पे देखिए ये वाली उल्टी साइड से फंदे आएंगे उठाने को, फिर यहाँ से उठाएंगे, फिर यहाँ से उठाएंगे, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, फिर हमारा यहाँ पे आके दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है उल्टी साइड से हमने हर बार फंदा उठाना है। आठ फंदे उठाएंगे और फिर सोलह सिलाइयां बुनेंगे, तो इस तरीके से हमने उठाने हैं फंदे। ये सोलह सिलाइयां मैं बुन के फिर आपसे मिलती हूँ, आगे हमने कैसे बनाना है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आठ फंदे हमने उठाए हैं, ये देखिए ये यहाँ पे हमारी कली पूरी हुई, यहाँ पे ये वाली कली पूरी होने के बाद यहाँ से आठ फंदे उठाए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उल्टी साइड से हमने यहाँ पे फंदे उठाने हैं, तो हमने यहाँ पे एक चीज और करनी है। ये जो हमने उल्टी साइड से आठ फंदे उठाए हैं, एक सिलाई हमने बुन ली, दूसरी सिलाई में हमने जो उल्टी साइड से आएगी जो आठवां फंदा होगा और ये वाला जो आठवां फंदा होगा लास्ट वाली कली का, दो का हमने यहाँ पे एक बनाना है, इसको साथ में जोड़ते हुए जाना है। देखिए इस तरह से आएगा, फिर हम आठ फंदे, जो हमारे आठ फंदे सीधी साइड से हो गए, वो हम आठ फंदे सीधी साइड से ऐसे बुन देंगे सीधे। देखिए इस तरह से हो गया। अब फिर यहां से देखिए ये वाले आठ फंदे हम ऐसे ही
छोड़ेंगे, फिर यहां से सीधे उल्टी साइड आ गए हैं, दो तीन चार पांच छ सात, सात फंदे बुनने के बाद ये जो आठवां फंदा है और ये वाला एक फंदा दो का एक करेंगे, फिर यहां से वापस चले जाएंगे इस तरह से, फिर एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, सीधी साइड से तो हमने आठ फंदे ऐसे ही बुनने हैं। जब हमारी उल्टी साइड आएगी तो उल्टी साइड से हमने जो है फंदों को घटाना है, दो का एक करेंगे हम इस तरह से, उल्टी साइड है तो उल्टी साइड से एक फंदा उतारा, दो तीन चार पांच छ सात, अब ये फंदा लेंगे आठवां और यहां से एक फंदा लेंगे, तो यहां से हमारे फंदे जो हैं कम हो रहे हैं, देखिए इस तरह से ये साथ में जुड़ता हुआ जाएगा, फिर हम आठ फंदे सीधी तरफ से पूरे आठ फंदे ऐसे ही बुनेंगे, इस तरह से हो गया। फिर उल्टी साइड में आ गए हैं, फिर सात फंदे बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच छ सात, फिर यहां से ये वाला एक फंदा लेंगे, ये लेंगे दो का एक करेंगे, तो ऐसे ही हमने साथ में उठाते हुए जाना है, साथ में ये दो का एक उल्टी साइड से करते हुए जाना है, तो साथ में हमारा जुड़ता भी जाएगा और हमारी कलियां भी सेकंड डिजाइन जो है बनता हुआ जाएगा। तो ये मैं यहां से पूरा कर लेती हूँ, फिर सेकंड राउंड सेकंड जो है ये वाला डिजाइन बना के दिखाऊंगी आपको थोड़ा सा। अब देखिए सेकंड टाइम फिर से हमने जो सेकंड पट्टी में से हमने उठाने हैं फंदे वो उठाने हैं, पहले हमने ऐसे गिन लेने हैं। अगर आपको के पास जो है दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आपने ऐसे गिन लेनी है चेन्स, अगर आपके पास आठ चेन है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से हम फंदे फिर से उठाएंगे, देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात और लास्ट में यहां से आठ, तो आठ फंदे उठाएंगे, एक सिलाई तो हम ऐसे ही बुन लेंगे, देखिए एक दो, सीधी साइड से हमने पूरे आठ फंदे ऐसे सीधे बुनने हैं, ये बचे हैं हमारे पास चार और चार आठ। अब यहां से हम वापस जाएंगे, देखिए दूसरी सिलाई में दो तीन चार पांच छ सात, अब ये देखिए यहां पे ये वाला आठवां फंदा है और ये वाला फंदा, दोनों को हमने इकट्ठा दो का एक कर देना है, फिर हम सीधी साइड से पूरे फंदों को आठ फंदों को ऐसे ही बुनेंगे सीधे, फिर आती हुई सिलाई में से एक दूसरी साइड का फंदा लेकर के दो का एक करेंगे लास्ट वाले फंदे को साथ मिला के, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, एक दो तीन चार पांच छ सात, ये वाला फंदा लेंगे और ये वाला फंदा लेंगे, दोनों को साथ में बनाएंगे दो का एक करेंगे, ऐसे ही करते हुए एक एक फंदा हमारा इस साइड से कम होता जाएगा, तो ये वाली पट्टी हमारी पूरी होती जाएगी। फिर यहां से हमने आठ फंदे उठाने हैं, आठ फंदे उठाने के बाद यहां से एक एक फंदा साथ में लेते हुए जाना है और दो का एक यहाँ पे करते हुए जाना है, तो इसी तरीके से हमारा आगे जो है बढ़ता हुआ जाएगा, तो इस तरह से हमारा राउंड जो है ये घूम के यहां तक आ जाएगा। तो पूरा राउंड मैं कर लेती हूँ, फिर उसके बाद कैसे बनाना है वो मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूंगी, बस आपको थोड़ा सा समझना है इसे कि कैसे बनाना है, अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आप पूरा जो है इस टोपी को खुद ब खुद बना लेंगे, किसी की भी हेल्प की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही आसान है टोपी बनानी। देखिए ये दो का एक हो गया, अब हमारे पास यहाँ पे पांच फंदे बच गए, फिर हमने आठ फंदे सीधे बुनने हैं
और उल्टी सिलाई में दो का फिर से यहाँ पे एक करना है लास्ट वाला फंदा। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, सात फंदे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात फंदे बुन रही है, यहाँ पे दो का एक कर लेंगे। अब इसके बाद हमारे चार फंदे बच गए। जब चार फंदों में से लास्ट वाला फंदा बुनेंगे तो आठ फंदे हम यहाँ से उठाएंगे और दो का एक यहाँ पे ये वाला होगा। तो इसी तरीके से आपने जो है इसको इस राउंड को भी पूरा कर लेना है। तो मैं पूरा कर लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। देखिए सेकंड राउंड की लास्ट में हमने यहाँ पे बना लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा एक बना था, दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ जो है डिज़ाइन हमारे सेकंड राउंड में बन के कम्प्लीट हो गए हैं। अब देखिए थर्ड राउंड हमने स्टार्ट करना है, लेकिन सेकंड के फर्स्ट में जो है हम यहाँ पे एक मार्कर लगा देंगे यहाँ पे। अब आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, देखिए सबसे फर्स्ट राउंड में हमने सीधी तरफ से जो है फंदे उठा के ये वाली साइड जो है बनाई थी, ये वाली कलियां हमने बनाई थी, तो हमारा फर्स्ट राउंड इस तरह से यहाँ तक आके ख़त्म हुआ था। अब सेकंड राउंड था जो हमारा, वो यहाँ से शुरू हुआ था, उल्टी साइड से हमने फंदे उठाते उठाते गए, हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ से हमने फंदों को बंद किया, दो का एक कर एक करा, तो हमारी लास्ट वाली जो है कली यहाँ पे बन गई। अब आपने थर्ड राउंड बनाना है। थर्ड राउंड हमने कैसे बनाना है, आपने एक तरफ जो है ये फर्स्ट राउंड में सीधी साइड से फंदे उठाए आठ और दो का एक किया हमने लास्ट में यहाँ करके, तो फर्स्ट राउंड हमारा इस तरह से बन गया। जो सेकंड राउंड था वो हमने उल्टी साइड से फंदे उठाए, तो हमारा सेकंड राउंड जहाँ पे बन के कम्प्लीट हो गया, यहाँ तक आ गए हम। अब हमने जो है थर्ड राउंड बनाना है। थर्ड राउंड देखिए हमने कैसे बनाना है, देखिए ये वाला जो है थोड़ा सा मैं बना के दिखा देती हूँ, फिर टोपी की लंबाई जो है कंप्लीट करके आपसे मिलूंगी। ये एक जो है ये मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको बना करके दिखा देती हूँ। थोड़ा सा देखिए जो फर्स्ट जो एट हमारे पास फंदे हैं उनको हम इस तरह से बुनेंगे, आठ फंदों को, आठ फंदों को बुनने के बाद देखिए फिर से यहाँ पे हमने फंदे उठाने हैं, यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, तो यहाँ से हमने फंदे उठाने स्टार्ट करने हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात और लास्ट वाला यहाँ से आठ। तो आप देख सकते हैं, देखिए आपने देखा होगा कि पहले हमारे सीधी साइड से फंदे उठे, फिर से उल्टी साइड से, अब फिर से सेकंड थर्ड राउंड में हमारे सीधी साइड से हमने फंदे उठाए हैं। अब देखिए इन फंदों को हम इस तरह से एक सिलाई बुन लेती हूँ। आगे देखिए इसके बाद हमने क्या करना है, देखिए आठ फंदों को बुनना है इस तरह से, देखिए चार और चार आठ इंच छोड़ देते हैं। अब इन आठ फंदों में से सात को बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात। अब ये जो आठवां फंदा है और ये वाला फंदा, इन दो को हम इस तरह से इकट्ठा बुनेंगे, दो का एक करेंगे। अब सीधा हमारा हमारे पास सीधे फंदे जो हैं वो आएंगे, सीधी साइड से हमने इन दोनों को दो का एक कर दिया। अब आठ फंदे फिर यहाँ पे बुनेंगे। अब इस इन्हीं रोज को आपने दोहराते हुए जाना है, जितनी भी आपने टोपी की लंबाई रखनी है उतने आप राउंड से इसमें बना लीजिए। कलियां आपकी आठ की आठ ही बनेंगी, लेकिन राउंड आपके जो है ज़्यादा होंगे। देखिए यहाँ से दो चार छ सात आठवां फंदा और ये वाला फंदा दो का एक करेंगे। फिर देखिए इस तरह से बनाएंगे, आठ फंदे उल्टे पूरे। अब सीधी साइड से हमारा फंदा जो है दूसरी कली का कम होगा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठवां फंदा और यहाँ से एक फंदा लेंगे, दो का एक करेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे पांच फंदे रह गए हैं। तो इस तरह से ये वाले आठ फंदे और पांच फंदे ये भी
एक दो का एक करेंगे, फिर दो का एक करेंगे लास्ट वाले फंदे को साथ में लेके, तो आठ फंदों को हम इस तरह से बुनते हुए इसे कंप्लीट कर लेती हैं। फिर यहाँ से फंदे उठा के फिर मैं आपको बताऊंगी इन फंदों को दो का एक करना है, फिर यहाँ से फंदे उठाने हैं इन दो का एक करना है, फिर यहाँ से फंदे उठाने हैं दो का एक, ऐसे ही हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाला राउंड पूरा करके फिर मैं यहाँ से फंदे कैसे उठाने हैं और आगे कैसे बनाना है थोड़ा सा बता दूंगी आपको। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में है हम इस फंदे को इसके साथ लेके बंद कर देंगे। देखिए ये इस तरह से आ गया। अब फिर यहाँ से हमने फंदे उठाने हैं, तो ये वाली चेन्स अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आपने ये वाली चेन जो है गिन लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से हम फंदे उठाएंगे, देखिए 1 2 3 चार पांच छः सात, लास्ट में यहां से उठाएंगे 8। अब एक सिलाई तो हम इससे जो है पूरी उल्टी बुनेंगे 8 फंदों को, इस तरह से एक उतारा, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहां से वापस जाएंगे और फिर वही प्रोसेस हमने दोहराना है, 3 4 5 6 7 बुने। अब ये वाला फंदा और ये वाला फंदा दो का एक करेंगे। अब इस तरीके से हमने, जैसे मैंने आपको बताया, ये फंदे हमारे घटते जाएंगे, यहाँ से फिर 8 फंदे उठाने हैं, इनके साथ मिलाते हुए दो का एक करते हुए जाना है, फिर यहाँ से 8 फंदे उठाने हैं, फिर यहाँ से ये वाले दो का एक होगा। इस तरह से हमारा ये पूरा राउंड यहाँ तक आके कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैं जो है कैप की लंबाई को कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ। उसके बाद बॉर्डर बनाना है हमने, वो कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं छोटी कैप बना के रेडी कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं, और इससे बड़ी जो है ये मैंने आपको बताई थी, ये वाली कैप भी मैंने आपको जो है इसका साइज भी मैंने आपको बताया था। और ये जो बनाई है इसकी लेंथ और ब्रेथ भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ तक जो है मैंने, आप देखेंगे कि यहाँ से स्टार्ट किया था, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजाइन जो है मैंने बनाए हैं। देखिए इस तरह से यहाँ से आप जो है स्टार्ट करेंगे। देखिए एक हमारा डिजाइन ये बना था पहला, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, तो 6 डिजाइन मैंने बना के कंप्लीट किए हैं। तो अब 6 डिजाइन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। देखिए यहाँ पे अब हमने इसको जो है बंद करना है। बंद हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ, उल्टे उल्टे फंदे उठाए थे, यहाँ पे ये वाला जो है ये वाली कली हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने यहाँ से फंदे उठाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट वाला यहां से उठाएंगे 8। 8 फंदे उठा लिए, देखिए 8 फंदे उठा लिए हमने। ये जो उठाया हुआ लास्ट वाला फंदा है इसको हम इसके साथ मिला के इस तरह से दो का एक कर देंगे, फर्स्ट टाइम ही हमने यहाँ पे बंद कर देना है, इसको दो का एक कर देना है मीन्स के। अब इसमें जो है 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे बुन लिए। अब यहां से देखिए हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना है। यहां से हमने ये दो फंदे जो हैं इसको इस तरह से उतारेंगे और दो का एक करेंगे। अब हमारी जो ये जो टुकड़ी बन रही है वो आधी बनेगी, देखिए 1 2 3 4 5 6, अब दो फंदे दो का एक करेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ से लेंगे, फिर
फिर एक दो, तो हमारे फंदे जो हैं कम होते जाएंगे, 3 4 5 6 7, 7 फंदे हैं। अब फिर यहां से वही वाला प्रोसेस करेंगे, 2 का 1 किया। अब यहां से हमने जो है, जैसे हम सीधा बुनते आ रहे थे वहां पे, हमने सीधा नहीं यहां पे बुनना है, 2 का 1 हर बार करते जाना है सीधी साइड से। 2 का 1 किया, 2 3 4 5, ये जो लास्ट वाला फंदा है इसको इस पीसेस के फंदे से लेकर के इसमें से फंदा लेंगे, 2 का 1 करेंगे, जैसे हम पहले भी घटाते आए हैं, बंद करते आए हैं। तो फिर यहां से वापस जाएंगे इस तरह से और सारे फंदे बुन देंगे। अब हमारे पास फंदे कम होते जाएंगे यहाँ पे, देखिए। फिर यहाँ पे 2 उतारेंगे, 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करेंगे, 1 2 3, ये वाला फंदा इसके साथ मिला के 2 का 1। यहाँ से भी फंदे कम हो रहे हैं और ये जो हमारी पीस बन रहा था वो भी हमारे फंदे यहाँ पे कम हो रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसे बाइंड ऑफ करना है, सारे फंदे हमारे इस तरह से बंद होते जाएंगे। देखिए एक बार मैं फिर से आपको अगली जो है अगला डिजाइन उसमें दिखा दूंगी। देखिए यहाँ पे बंद किया, फिर यहाँ से 2 फंदे लिए, 2 का 1 करेंगे, साथ में हमारी बुनाई भी हो रही है और फंदे भी हमारे बंद हो रहे हैं इस तरह से। ये लास्ट भी फंदा इसके साथ लेंगे, ऐसे बुन देंगे। अब हमारे पास बचे हैं 7 फंदे, 3 इस तरफ के और 4 इस तरफ के। फिर हम इस तरह से बुनेंगे। फिर इस डिजाइन के 4 फंदे हैं, 2 का 1 करेंगे यहाँ पे, देखिए इस तरह से 2 का 1। फिर एक फंदा बुना, फिर लास्ट वाला फंदा है इसको इसके साथ मिला के 2 का 1 करेंगे ऐसे। फिर यहां से वापस जाएंगे, 1 2। तो आपने देखा इस तरह से हमारे फंदे जो हैं कम होते जा रहे हैं और ये जो पीसेस है हमारा हाफ बनता जा रहा है। यहाँ पे जो है फुल बनाया था, यहाँ पे हमारा हाफ बनेगा। अब फिर 2 फंदों का 1 करेंगे, 2 फंदों का 1। अब इसके साथ इसको मिला के 2 का 1 करेंगे इस तरह से ऐसे, और एक फंदा हमने इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ये बुनेंगे नहीं। फिर यहाँ से वापस जाएंगे, इसे उतारा, इसे बुन दिया। फिर देखिए हमारे पास टोटल 3 फंदे हैं, एक इस साइड का और इस तरह से 2 का 1 किया। फिर इसे बुना, इसको इसके ऊपर से ऐसे पलट दिया। तो यहाँ पे 3ों फंदे हमारे बंद हो गए। देखिए आप देख सकते हैं इस तरह का डिजाइन जो है हमारा बना है। ये 8 फंदे हमारे दूसरी साइड की इस पट्टी के हैं। अब यहाँ से हमने फिर से 8 फंदे बनाने हैं इस तरह से। देखिए यहां से एक फंदा उठाएंगे पहले तो, और इसको इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे ताकि हमारा जो है ये वाला फंदा। अब देखिए 7 फंदे हम और उठाएंगे, 1 6 7, 7 फंदे उठा लिए। अब इसको इसके बीच में ला करके, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे होल बन रहा है तो यहाँ से एक फंदा उठा के 3 का 1 बना दीजिए स्टार्टिंग में, तो कोई भी इसमें जो है फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए दूसरी साइड आ जाएंगे, ये हो गया। अभी यहां से 2 फंदों का 1 बनाएंगे हम स्टार्टिंग में इस तरह से, 2 का 1, 2 का 1, बाकी फंदे
सीधे और जो लास्ट वाला फंदा है इसको इसके साथ मिला के दो का एक करेंगे ऐसे। तो यहाँ पे भी हमारी हाफ जो है इस तरह से हाफ पीसेस बन के कंप्लीट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, दो डिजाइन मैंने बना के कंप्लीट कर लिए, एक और दो। अब यहाँ से फिर से हमने एक फंदा हमारे पास है तो सात फंदे हम यहाँ, आठ फंदे हम यहाँ से उतारेंगे। लास्ट में जो है हमारा बराबर बराबर आ जाता है अगर हम यहाँ से आठ फंदे उठा लेते हैं इसको साथ मिला के। तो आठ फंदे हमने ये वाले बंद करने हैं, फिर यहाँ से आठ फंदे उठाएंगे, फिर इसको साथ में लेके बंद करेंगे। तो इस तरह से पूरा राउंड हमने यहाँ तक जो है कंप्लीट कर लेना है। फिर मैं यहाँ तक कर लेती हूँ, फिर एक डिजाइन में फिर से आपको दिखा देती हूँ कैसे बनाना है आगे। देखिए लास्ट में हमने पहुंच चुके हैं। ये देखिए यहाँ से हम फंदों को बंद करते हुए गए, लास्ट तक आ गए हैं। अब यहाँ से भी हमने आठ फंदे उठाने हैं, एक हमारा ये होगा, एक हर एक चेन में से एक फंदा उठाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात और लास्ट में यहाँ से उठाएंगे फंदा आठ, इस तरह से। अब फिर ये जो उठाया हुआ फंदा है इसको इसके साथ दो का एक करते हुए थोड़ा टाइट करेंगे, दो का एक करेंगे यहाँ पे ऐसे। फिर यहाँ से वापस जाएंगे, एक उतारा, दो तीन चार पाँच छः सात आठ और ये फंदा नौवा जो यहाँ से बंद करते हुए हमारा लास्ट वाला फंदा रह गया था। अब इन दो को इकट्ठा बुनेंगे दो का एक। चाहे आप यहाँ पे आठ फंदे उठा लीजिए चाहे नौ उठा लीजिए, ऐसे में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बराबर बराबर हमारे फंदे जो हैं आ जाएंगे। ये पूरा बना करके आपको दिखाती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, अच्छी तरीके से जो है आप इसे बंद कर सके। देखिए यहाँ से ये वाला फंदा लेंगे, एक यहाँ से लेंगे, दो का एक करेंगे ऐसे। फिर वापस जाएंगे, एक फंदा उतारा, दो तीन चार पाँच छ सात आठ। फिर यहाँ से वापस जाएंगे, दो का एक किया स्टार्टिंग में, एक दो तीन चार पाँच और ये फंदा है ये फंदा दोनों को इकट्ठा बुनेंगे दो का एक। फिर यहाँ से वापस, एक उतारा, एक दो तीन चार पाँच छः। फिर यहाँ से वापस, अब दो का एक करेंगे स्टार्टिंग में, फिर एक दो तीन लास्ट वाले फंदे को इसके साथ मिला के दो का एक ऐसे। फिर यहाँ से वापस, एक उतारा और बाकी फंदे उल्टे, क्योंकि उल्टी साइड में हमने घटाना नहीं है कोई भी, सीधी साइड में जब आएंगे तब हम घटाएंगे इस तरह से। दो का एक, फिर ये फंदे बुने बीच वाले, फिर इसको इसके साथ मिला के दो का एक कर दिया। फिर यहाँ से वापस, ये जो है पीस मैं पूरा आपको बना करके दिखाऊंगी, यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन इस तरह से। फिर यहाँ से वापस जाएंगे, दो का एक, एक दो, अब इसको इसके साथ मिला के दो का एक करेंगे। फिर यहाँ से वापस जाएंगे, इसे उतारा, एक दो तीन, फिर दो का एक करेंगे, दो का एक, फिर इस फंदे को बुना, इसको इसके साथ मिला के ऐसे बुन दिया। फिर यहाँ से वापस जाएंगे, देखिए एक दो तीन, तीन बना लिए। फिर यहाँ से वापस जाएंगे, अब देखिए लास्ट में हम दो का एक करेंगे।
अब इस फंदे को इसके साथ मिला के दो का एक करेंगे, यह हो गया। अब लास्ट में इसको इसके ऊपर से पलट देंगे और यहाँ से ये वाला जो फंदा है इसको चाहे आप जो है इस तरह से सिलाई में लेके सारे फंदों को उठा लीजिए। यहाँ से ये वाले फंदे हमने उठाने हैं और चाहे तो आप बॉर्डर बना लीजिए, चाहे आप ऐसे भी रहने दें तो भी अच्छी लगती है ये, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा जो है यहाँ पे बॉर्डर बनाना चाहूँगी। तो हर एक चेन में से हमने एक फंदा उठाना है, फिर आपने देखने हैं हमारे पास फंदे कितने हैं। तो यहाँ पे ये जो मैंने कैप बनाई है इसमें जो है 110 फंदे मेरे बने थे, जो कि बड़े के लिए जो है काफ़ी होंगे। तो इस तरह से 110 फंदे नहीं इसमें आएंगे, इसमें कम आएंगे क्योंकि छोटी कैप है। तो मैं पहले फंदे उठा लेती हूँ, फिर आपको बताऊँगी कितने फंदे मेरे पास उठे हैं। देखिए यहाँ पे ये जो फंदे हैं यहाँ पे मैं एक एक फंदा उठाते हुए जाऊंगी। तो एक फंदा मैं सेंटर में से उठाऊंगी, तो 1 2 3 4 5 6 फंदे मेरे यहाँ से इस जो है इस आधे पीस में से 6 फंदे उठेंगे। 1 2 3 4 5 6 और एक फंदा ये होगा, 7 फंदे होंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 और सातवां यहाँ से उठाऊंगी। फिर 6 फंदे हमने बीच में से उठाने हैं, सातवां हमने सेंटर में से उठाना। इस तरह से बराबर बराबर फंदे आपने लेने हैं, ऐसे नहीं कि कहाँ से कहीं से आपने ज़्यादा उठा लिए कहीं से कम, तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा और अच्छा बनेगा भी नहीं। तो इस तरह से मैं फंदे उठा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ आगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो है मेरे पास टोटल जो फंदे मैंने उठाए हैं 70 फंदे हैं, तो हमें चाहिए होंगे 100 फंदे। तो 30 फंदे हमने उठाने हैं, बहुत ही हमारे पास जो है देखिए ये काफ़ी काफ़ी स्पेस है हमारे पास। जैसे यहाँ पे स्पेस है और यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे सेंटर है, तो यहाँ से हम जो है एक एक दो दो फंदे उठा लेंगे। तो 30 फंदे लगभग हमने उठाने हैं। 30 फंदे उठाने के बाद हमारे पास 100 स्टिच होंगे, तो उनको लेके हमने बॉर्डर बनाना है। तो फर्स्ट जो रो है हमने इसमें फंदे अपने पूरे करने हैं, तो इस तरह से पूरे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मार्कर लगा लेते हैं कि यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया है इस तरह से, क्योंकि राउंड है तो राउंड में हमने बनाना है। आप चाहें तो इसमें जो है गले बुनने वाली सिलाइयाँ भी ले सकते हैं। सबसे पहला फंदा हम यहाँ से उठाएंगे, देखिए इस तरह से उठा लेंगे और इसे बुन देंगे इस तरह से, बुन दिया। फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर यहाँ पे आपको ज़्यादा गैप दिख रहा है यहाँ से हम फंदा उठा लेंगे इस तरह से ऐसे, फिर एक फंदा बुन लेंगे, फिर आपको यहाँ पे गैप दिख रहा है फिर आप यहाँ से फंदा उठा लेंगे। तो इस तरह से आपने जो है फंदे अपने पूरे करने हैं। तो 100 फंदा चाहे बना लीजिए, 110, 102, 103 हो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन हमें 100 फंदे तो हमें इस टोपी में चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह से मैं फंदे पूरे करके फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास जो है टोटल मेरे पास मैंने फंदे गिने हैं तो 104 फंदे मेरे पास हुए हैं। तो 104 फंदों को हमने इस तरह से अपना बॉर्डर बनाना है इस तरह से, किसी भी तरीके से आप जो है इस बॉर्डर को बना सकते हैं, चाहे आप उल्टा सीधा बना लीजिए, चाहे आप सीधा सीधा बना लीजिए, जैसा आपको पसंद हो वैसा आप बॉर्डर बना लीजिए। लेकिन मैं जो है इसमें इस तरह से सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बनाऊंगी, जो कि हमारा बॉर्डर जो है ऊपर की तरफ जब मुड़ जाएगा तो अच्छा लगेगा इस तरह से। तो थोड़ा बॉर्डर मैं बुन लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, जिसके लिए मैं टोपी बना रही हूँ उनकी जो है डिमांड है कि हमने जो है इस टोपी में फ्लैप जो है हमें चाहिए। तो इसमें मैं फ्लैप बनाऊंगी। फ्लैप कैसे बनाना है देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम 30 फंदे जो हैं बुनेंगे फ्लैप के अपने।
बाकी पूरे फंदों में एक फंदा उल्टा एक सीधे का बॉर्डर हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम जो है इसको इस तरह से एक सीधा और एक उल्टे में पहले तो बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से हम जब हम फ्लैप शुरू करेंगे फिर हमने जहाँ पे 30 फंदे फ्लैप के रखने हैं पहले हम एक फंदा उल्टा एक सीधे का 1 इंच का बॉर्डर पूरा कर लेते हैं, फिर हम जो है फ्लैप बनाएंगे। फ्लैप हम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ये मैंने राउंड जो है ये बॉर्डर का बनाया है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सिलाइयाँ बना ली हैं, 10 सिलाइयाँ बना लीजिए, आपकी मर्जी है आप कितना चौड़ा जहाँ पे बॉर्डर चाहते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये हमारा है सेंटर पॉइंट, ये वाला फंदा। तो यहाँ पे हमने जो है इसमें 38 फंदे जो हैं ऐसे ही छोड़ने हैं, बाकी फंदों को हमने बंद करना है। 38 फंदे देखिए यहाँ से आप कोई भी आप 38 फंदे रख लीजिए, क्योंकि हमने जो है राउंड बनाया है इस टोपी में, इसमें कहीं पे भी हमारी सिलाई नहीं लगी है। राउंड राउंड हमने जो है इसको इस तरह से बनाया है, सिलाई तो हमारी कहीं पे भी आई नहीं है। कहीं पे भी आप जो है 38 फंदे छोड़ लीजिएगा अगर आप इस तरह से बना रहे हैं। तो 38 फंदे छोड़ करके बाकी फंदों को मैं यहाँ पे बंद कर दूंगी। इसमें फ्लैप बनाऊंगी 38 फंदों में, कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए ये यहां से हमने इन फंदों को बंद करना, देखिए एक उल्टा बुना, इसको इसके ऊपर से पलट दिया, फिर सीधा बुना, इसको ऊपर से पलट दिया, फिर उल्टा बुना, इसको ऊपर से पलट दिया, फिर सीधा बुना, इसको ऊपर से पलट दिया। तो इस तरह से हमने जो है पूरा बॉर्डर अपना यहाँ तक, देखिए ये मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास 38 फंदे हैं। तो यहाँ तक मैं बंद कर लेती हूँ सारे फंदे, फिर फ्लैप बनाएंगे। अब देखिए यहाँ तक हमने जो है फंदों को बंद किया, देखिए इस तरह से ये हो गए। अब लास्ट वाला फंदा है तो इसको भी हम इस तरीके से यहाँ पे बंद कर देंगे। देखिए तो ये बचे हैं हमारे पास 38 फंदे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 38 फंदे बचे हैं। तो अब इन्हें कैसे बुनना है, इस तरह से देखिए ये एक सिलाई को मैं पूरा सीधा बुनूंगी। और ये केबल वाली नीडल जो है इसे हटा दूंगी, क्योंकि स्ट्रेट नीडल से जो है इसको बनाऊंगी मैं। पूरी सिलाई को सीधा बुन के कंप्लीट करते हैं पहले। अब देखिए एक सिलाई मैंने पूरी सीधी बनाई है, दूसरी हम जो है उल्टी बनाएंगे। सीधी बनाई है एक सिलाई, तो यहाँ पे एक सिलाई उल्टी बना ही लेते हैं। एक सिलाई उल्टी बनाएंगे और 2 फंदे लास्ट वाले छोड़ देंगे। यहाँ से हम जो है अपना फ्लैप बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वाले 2 फंदे ऐसे ही रहने देंगे, ये 2 फंदे रहने दिए। अब यहाँ पे इसको इस तरह से हम ऐसे कर लेंगे रैप, फिर एक फंदा उतारेंगे और लास्ट के 2 रहने तक हम इसे ऐसे ही बुनेंगे। आप चाहें तो इन 2 फंदों को इस तरह से मार्क भी कर सकते हैं, ऐसे आप
इन दो फंदों को इस तरीके से मार्क कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ा पता चलता रहे। अगर आप जो बिगनर्स हैं तो आप इस तरीके से बनाइएगा, इन दो फंदों को इस तरह से मार्क कीजिएगा, फिर आपने सारे फंदे लास्ट के दो फंदे रहने तक ऐसे ही सीधे बनाने हैं। एक सिलाई में और बता दूंगी आपको, फिर आपने उसी को दोहराते हुए जाना है। इस तरह से देखिए, ये लास्ट के दो फंदे हम छोड़ देंगे, यहाँ पे इसको भी हम मार्क कर लेंगे। ऐसे ऐसे कर लिया, फिर आपने पहले इस फंदे को रैप कर लेते हैं। देखिए इस तरह से इसको रैप करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इसको उतारेंगे ऐसे, इसको उतार के फिर लास्ट के पहले दो फंदे छोड़े थे, फिर लास्ट के दो फंदे और छोड़ेंगे, मतलब कि हमारे पास चार फंदे हो जाएंगे। फिर आप चाहें तो मार्क कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये दो फंदे फिर छोड़े, फिर यहाँ पे आप जो है इसे मार्क कर लीजिए, लेकिन पहले हम जो है इस तरह से इसको रैप करेंगे ताकि यहाँ पे जाली ना बने। रैप हम इसलिए करते हैं ताकि यहाँ पे हमारी जो है जाली ना बने। बस एक फंदा उतारा, फिर बाकी फंदे बुनेंगे, यहाँ पे दो फंदे फिर छोड़ेंगे, फिर दो छोड़ेंगे, फिर दो छोड़ेंगे, तो लास्ट में हमारे पास यहाँ पे 16 फंदे रहने तक हम दो दो साइड में छोड़ते हुए जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, 10 फंदे हमने यहाँ पे दो दो करके छोड़े, 10 फंदे हमने यहाँ पे छोड़े, तो मेरे पास बीच में 18 फंदे हैं। तो इन 18 फंदों को हम, 16 फंदे नहीं रखूंगी मैं, इन 18 फंदों को देखिए हमने कैसे बुनना है, इस तरह से ये, अब यहाँ पे एक सिलाई जो है ये मैं उल्टी साइड से, सीधी साइड से उल्टी बनाऊंगी, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 फंदे बुन लिए। अब यहाँ से वापस जाऊंगी, देखिए यहाँ से वापस जाऊंगी और इस तरीके से देखिए जो हमने दो दो फंदे छोड़े हुए हैं उनको हम इस तरह से दो दो फंदों को साथ लेते हुए जाएंगे। अब देखिए ये वाले दो फंदे हम, ये वाले दो फंदे हम साथ ले लेंगे इस तरह से ऐसे, फिर यहां से वापस जाएंगे, फिर लास्ट के दो फंदे हम साथ में ले लेंगे, मतलब कि साथ मिलाते हुए दो दो फंदे जैसे छोड़ते गए वैसे ही हम साथ मिलाते हुए जाएंगे, इस तरह से इसको निकाल देंगे, एक और दो, दो फंदे साथ ले लिए, फिर यहां से वापस जाएंगे,
इन्हीं लाइनों को आपने दोहराना है, यहां तक हमने फंदे अपने पूरे कर लेने हैं। दो दो साथ में मिलाते हुए जाना है और बीच वाला बुनते हुए जाना है। आप देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में है हम इस तरह से, लास्ट वाला फंदा भी हम दो जो है इस तरह से उठाएंगे, जो रैप किया हुआ धागा है उसको भी हम साथ लेके बुनेंगे ऐसे, इस तरह से। यहाँ तक हमारा जो है फ्लैप खत्म हो गया, देखिए इस तरह से जो है इसको जब हम सिलेंगे तो ये वाला फ्लैप जो है इस तरह से बनेगा। अब हमने सारे फंदों को यहाँ से बाइंड ऑफ करना है। देखिए इस तरह से हमने इन सारे फंदों को, 38 फंदे हैं हमारे पास, यहाँ पे हमने इसको इस तरह से वाइंड ऑफ करने के बाद अंदर की तरफ रख के सिल लेना है। कैसे सिलना है वो मैं आपको बताऊंगी, इसे वाइंड ऑफ कर लेती हूँ पहले। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने जो है इस धागे को कट करके सुई में डाल लिया। अब यहाँ से हम इसको सिलेंगे। देखिए सिलेंगे हम कैसे, इस तरीके से। देखिए यहाँ से फर्स्ट जो स्टिच है इसका, इस तरह से यहाँ तक जो है इसको सिल के ऐसे, देखिए इस तरह से सिल लिया। इसको अच्छी तरह से यहाँ पे एक नोट लगा देंगे ऐसे। ऐसे इस तरह से इसको सिलेंगे, जो लास्ट वाला स्टिच है इसके साथ। देखिए यहाँ से और ये लेंगे ऐसे, कि यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में हमने ये वाला स्टिच उठाना है, देखिए इस तरह से, और यहाँ पे एक नोट लगा दीजिए आप इस तरह। तो ये हमारी कैप जो है बन के रेडी हो गई है। देखिए आप फ्लैप देख सकते हैं, इसमें बहुत ही सुंदर सा फ्लैप बना है। अब देखिए यहाँ पे जो ये जो स्पेस है इसको हम इस तरह से बंद कर देंगे। देखिए सुई के साथ इसे बंद करेंगे, पहले तो एक नोट लगा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे पोम पोम भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं लगाया तो मैं इस तरह से इसे सुई के साथ बंद करूंगी। इस तरह से टाइट करने के बाद
ब्रोश हमारी इस तरह से बन के आई है। बहुत ही सुंदर सी कैप जो है बनी है, देखिए छोटे बच्चे के लिए मैंने बनाई है। अब इसकी जो है लंबाई चौड़ाई मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी मैंने बनाई है। देखिए इस तरह से, अगर आप सेंटीमीटर्स के हिसाब से देखेंगे तो 17 सेंटीमीटर के करीब हमारा जो है इसकी लंबाई बनी है। अगर इंचेस की तरफ से देखेंगे तो 7 इंच के करीब जो है इसको बनाया है मैंने। देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से थोड़ा सा जो है इकट्ठी हुई है ये, यहाँ से देखेंगे यहाँ तक 7 इंच, और चौड़ाई इसकी देखेंगे तो यहाँ से 7 इंच, 7.5 इंच के करीब जो है इसकी चौड़ाई बनी हुई है। देखिए आज देखिए, तो यहाँ पे जो फ्लैप की चौड़ाई है वो है 1.5 इंच, यहाँ से तो ऑब्वियसली 1.5 इंच ही आएगी, यहाँ से देखिए ये 1.5 इंच। तो इस तरह से आपने जो है इस कैप को बना के रेडी करना है। बहुत ही सुंदर सी कैप जो है बन के रेडी हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए कि अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।